हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेट प्लस। सेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एसएसटी की एक श्रृंखला चल रही है वीडियोस की। तीन वीडियो हम लोग आपके सामने लेकर आ चुके हैं, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का। मुझे उम्मीद है कि आप ये तीनों वीडियो को ज़रूर देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा, तो ज़रूर से उस वीडियो को देख लीजिए एक बार। और जो पिछले जो वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं या जो वीडियो हम लोगों ने जारी किए हैं, उस वीडियो में से काफ़ी ज़्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जो नेक्स्ट आज हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं, ये हिस्ट्री का वीडियो है। और इस हिस्ट्री के वीडियो में हम लोग आपको, मुझे उम्मीद है कि देखिए अब तक जो है आपकी पढ़ाई हो चुकी होगी, आपने तैयारी कर ली होगी, बस हम लोग इस वीडियोज़ के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से एग्ज़ाम में आप अच्छा नंबर गेन कर सकें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें आंसर को लिखते समय, वन वर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व करें, थ्री मार्क्स और फाइव मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे इम्प्रूव करें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए एक छोटा सा वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं, बहुत ही छोटा रहेगा, ज़्यादा इसको हम लोग लंबा वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। और इसमें जो है केवल हम एक आपको ओवरव्यू देंगे किन चीज़ों का यूज़ करना है। देखिए हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपको कहानियाँ याद हैं, नहीं याद हैं, तो अब से आप जो है अपनी जो नोट्स हैं जो हम लोगों ने बनवाए हैं आपको क्लास में, तो एक बार ज़रूर से एक बार गो थ्रू हो लीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आंसर को लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस हैं और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का हो गया, टी का यूनिफिकेशन हो गया, जो भी इन सब की चीज़ें हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सारे चीज़ों को, यूरोप में जो नेशनलिज्म की बात थी का जो विस्तार था, इंडिया के में नेशनलिज्म कैसे शुरू हुआ और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी, उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, क्या क्या से इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे, उन इंसिडेंट्स और उन फैक्ट्स को एक विस्तार से आप समझ लीजिए, उसको कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वो एग्ज़ाम में आपके अगर उस तरह से उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से तो उसका आंसर लिख पाए। चलिए अब हम लोग ज़्यादा देर समय ना लेते हुए एग्ज़ाम अपना मेन टॉपिक पर आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हिस्ट्री में हमारे जो है पहला चैप्टर है द राइस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। यूरोप में जिस तरह से नेशनलिज्म की शुरुआत हुई के लिए देखिए जो भी चीज़, जो पहला आपका पेज है उस चैप्टर का, जो पहला पेज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ क्वेश्चंस वहीं से बन जाते हैं एक नंबर के, से कुछ एग्जाम में देखा भी गया है। कोई भी चीज़ छोड़िए मत, यहाँ तक कि जितने बॉक्स बने हुए हैं, जैसे मान लेते हैं एब्सोल्यूटिज्म है या पिकेटिंग है या ब्रूटैलिटी है, ठीक है, और रेफरेंडम है, ये सब चीज़ें आप जो है ज़रूर से एक बार, जितने भी बॉक्स बने हुए हैं और जितने भी ये आपके फिगर बने हुए हैं, इन सबों को भी देख लीजिएगा। क्योंकि फ्रेडरिक सॉरियो से एक क्वेश्चन जो है पिछले एग्ज़ाम में आया था, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मत समझिएगा कि इसमें केवल इंट्रोडक्शन है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है, इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ छोड़िए मत, ज़रूर से पढ़िए। और जो भी आपने पढ़ा है, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ लगता है कोई टॉपिक अभी आपका अधूरा रह गया है या समझ में नहीं आया है, तो उस पर बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको टाइम नहीं देना चाहिए। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उस पर कंसंट्रेट हो जाइए, उसको कोशिश कीजिए जो भी चीज़ें हमने अपने अभी तक पढ़ाई की है वो दिमाग में अच्छे से रहे, और उसको लिख कर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। हेडिंग का यूज़ करते हुए जो है आंसर को अपना लिखिए, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छा नंबर गेन करें। सर, अब हम लोग जो है पहला चैप्टर शुरू करते हैं, द राइस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसको अमित सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, फिर आगे फिर हम लोग और पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने पहला मॉड्यूल जो है राइस ऑफ नेशनलिज्म को स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें करेंगे इस चैप्टर की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो एक फोर्स की तरह इमर्ज होता है, जो पॉलिटिक्स और मेंटेलिटी दोनों में चेंजेस लाता है। कहाँ की पॉलिटिक्स में? यूरोप की पॉलिटिक्स। इसे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट इमर्ज होते हैं इधर से, नेशनलिज्म से।
अब ये नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ? शेयरिंग कॉमन कल्चर एंड ऐसी चीजें अगर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां पे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होगा। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, और ये रिवॉल्यूशन यूरोप की पॉलिटिक्स में या इवन फ्रेंच की फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में चेंजेस लाने की कोशिश होती है वहां से, जिसमें ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी दिखाई देती है और मोनार्की शिफ्ट हो जाती है, रूल ऑफ मोनार्की शिफ्ट हो जाती है रूल बाई तरफ शिफ्ट होने लगती है, ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी। उसके बाद एक और चीज दिखाई देती है कि पूरे यूरोप को लिबरेट, यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कैन बी एडेड टू योर आंसर, लिबरेट यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, ये वाली बात अब विजुअलाइज होने लगती है 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब नेशनल स्टेट के बात अगर करें हम तो इसमें दो तीन शब्द इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि ला बैटरी, ले सिटियन, इस तरह के वर्ड्स हमको दिखाई देने लगते हैं, सुनाई देने लगते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में भी ये चीज लिखी हुई है। नेशन स्टेट के लिए एक और चीज फ्रांस में दिखाई देती है, एडॉप्शन ऑफ न्यू ट्राइकलर फ्लैग, ये भी एक हमको कैरेक्टरिस्टिक फीचर नेशन स्टेट का विजुअलाइज होता है। उसके बाद जो स्टेट जनरल है स्टेट जनरल को रिनेम कर दिया जाता है नेशनल असेंबली से। फ्रांस के लोगों पे टैक्स लगाने का जो राइट होता है वो स्टेट जनरल के पास ही होता है। किस तरह के टैक्स लगेंगे, कितने रेट का टैक्स लगेगा, ये डिसाइड करने की जो अथॉरिटी होती है वो स्टेट जनरल के पास होती है। 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इसके नेम में चेंज आ जाता है और ये बन जाता है नेशनल असेंबली। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनल कस्टम ड्यूटी को भी चेंज कर दिया जाता है, एबॉलिशिंग इंटरनल कस्टम ड्यूटी ताकि ट्रेड फैसिलिटेशन हो सके। इन सब चीजों से नेशनलिज्म की बात निकल के सामने आती है कि हम एक नेशन स्टेट होने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, और साथ साथ जो प्रिविलेजेस बर्थ बेस्ड थी उनको भी एबॉलिश करने की बात आती है, बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस एबॉलिश। बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस एबॉलिश करने की बात आ रही है, साथ साथ राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू
एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम अलोंग विथ सर्फडम। जो बंधुआ मजदूरी होती थी उसको भी हटाने की बात हो रही है, फ्यूडल सिस्टम को भी हटाने की बात हो रही है, सामंती व्यवस्था को भी हटाने की बात हो रही है। इन सब चीजों के जब हट जाने से जो आउटकम आएगा वही कहलाएगा नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म की बिगिनिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ये सब चीजें जब एबॉलिश होने लगेंगी तो ही हम नेशन स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे। उसके बाद साथ लिबरलिज्म लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं उदारवाद, उदारवादी विचारधारा लिबरलिज्म। और इस लिबरलिज्म को जो लाने वाले हैं वो है मिडिल क्लास। अब जो इमर्जेंस हो रहा है मिडिल क्लास का वो हो रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका होता है 1750 के आसपास, इन 50 डिकेड्स में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका होता है और वहीं से इमर्जेंस होता है मिडिल क्लास का, क्योंकि लिबरलिज्म की बात करते हैं, एक नेशन स्टेट की बात करते हैं और ये कंजर्वेटिव आइडियाज को अपोज करते हैं, अपोजेस कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? कंजर्वेटिव्स वे होते हैं जो फेवर्स मोनार्की, जो मोनार्की को फेवर करते हैं और ओल्ड ट्रेडिशंस को फेवर करते हैं। तो कंजर्वेटिव्स का अपोजिशन मिलता है हमको लिबरलिज्म से। लिबरलिज्म को मानने वाले जो लोग हैं वो इंडिविजुअलिज्म को भी मानते हैं, इंडिविजुअलिज्म को भी फेवर करते हैं, फेवर्स इंडिविजुअलिज्म। एक हमको ओवरव्यू समझ में आ गया कि लिबरलिज्म कौन फेवर करते हैं, कंजर्वेटिज्म कौन फेवर करते हैं, ये हमको समझ में आ चुका है। अब हम थोड़ा देखेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म फीचर्स क्या क्या हैं, लिबरल नेशनलिज्म के फीचर क्या क्या हैं। तो इसके दो फीचर हो सकते हैं, एक हो सकता है पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट में, दूसरा हो सकता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट में इसका जो पहला फीचर दिखाई देगा वो होगा इंड ऑफ ऑटोक्रेसी। जो सेकंड फीचर होगा वो होगा गवर्नमेंट बाई कंसेंट। थर्ड फीचर क्या हो सकता है कि जब हम गवर्नमेंट बाई कंसेंट कह देंगे तो एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात शुरू हो जाएगी। और फोर्थ हो जाएंगे राइट टू वोट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट टू वोट, चुनने का अधिकार, राइट टू वोट। और साथ साथ एक पांचवा फीचर भी आ सकता है इक्वलिटी फॉर लॉ। ये पांच तरह की चीज़ें हमको दिखाई देंगी पॉलिटिकल लिबरल इकोनॉमिक लिबरल नेशनलिज्म में। सबसे पहली बात जो आती है वो होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट और एबॉलिशिंग स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस
ऑन ट्रेड इम्पॉर्टेंट एडेड आंसर. अभी हमने देख लिया है कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, जिसमें पॉलिटिकल लिबरल नेशनलिज्म के क्या मतलब होते हैं, इकोनॉमिक लिबरल नेशनलिज्म के क्या मतलब होते हैं, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, एब्सोल्यूटिज्म को एंड कर देना. ऑटोक्रेसी को हम लोग एक और चीज से डिफाइन कर सकते हैं, एब्सोल्यूटिज्म, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, लोगों की इच्छा के अनुसार गवर्नमेंट का होना, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू वोट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारे मतलब होते हैं लिबरल नेशनलिज्म. थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं. जैसे जैसे लिबरल नेशनलिज्म आगे बढ़ रहा था, वैसे ही कंजर्वेटिव्स ही उनको केस कर रहे थे. और 1815 में कंजर्वेटिज्म का एक नया टीचर हमको दिखाई देता है यूरोप में. और एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना. थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं. 1815 में ही एक बैटल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन डिफीटेड बाय कंट्रीज सच एज रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन. एक नाम सुनने को आता है मैटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता है. मैटरनिक वॉज द चांसलर ऑफ. सो दीज ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डिफीटेड नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू. नेपोलियन जो है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं और अपने पूरे टाइम पीरियड में वो फ्रांस की टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिससे पूरा जो यूरोप होता है उसकी टेरिटरी डिस्टर्ब हो जाती है. और उसी वजह से ट्रीटी ऑफ वियना होती है आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, जिसमें ये सारे कंट्रीज इकट्ठा होती हैं और यूरोप का पुराना मैप, ओल्ड मैप को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती हैं, उसको दोबारा इस्टेब्लिश करना चाहती हैं और बोर्बोन डायनेस्टी को रीसेटल करना चाहती हैं अंडर द वियना ट्रीटी. अब हम थोड़ा सा वियना ट्रीटी के प्रोविजंस को देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. ट्रीटी ऑफ वियना फर्स्ट पॉइंट, रीस्टोर द बॉर्बन डायनेस्टी. नेपोलियन जब आते हैं तो वो बॉर्बन डायनेस्टी को एंड कर देते हैं, लेकिन जब वियना ट्रीटी साइन होती है तो दोबारा बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर लिया जाता है. सेकंड प्रोविजन क्या है, जो भी फ्रांस की टेरिटरी एक्सपेंड हुई थी उस नेपोलियन के टाइम में उसको टेक अवे कर लिया जाता है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से, टेरिटरीज अक्वायर्ड बाय द नेपोलियन वॉज टेकन बैक. Territories acquired by Napoleon taken back. Third point, Northern Italy
कि दो रीजन्स, एक है लोम्बार्डी और दूसरा है एशिया, वॉज गिवन टू ऑस्ट्रिया. फोर्थ पॉइंट, पोलैंड वॉज गिवन टू रशिया. फिफ्थ पॉइंट, जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स रिमेन सेम. तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स रिमेन सेम, मींस देयर वर नो चेंज इन द सिचुएशन ऑफ जर्मनी. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना साइंड इन 1815. ट्रीटी ऑफ वियना का जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि ये फ्रांस में या पूरे यूरोप में आने वाले 30 ईयर्स तक पीसफुल सिचुएशन ला देते हैं. एंड इसने फ्रांस को ज़्यादा पेनालाइज नहीं किया. लेकिन अगर आप बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पेरिस पीस कन्वेंशन हुआ था उसमें जर्मनी को ज़्यादा हैरेसमेंट किया गया, जबकि ट्रीटी ऑफ वियना में फ्रांस के साथ हैरेसमेंट कम हुआ था. ये दो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट थे तो हमने डिस्कस किया आपके साथ. अगर हम बात करें के बाद तो एज ऑफ रिवोल्यूशनरीज अब स्टार्ट होंगे ट्रीटी ऑफ वियना के बाद. एज ऑफ रिवोल्यूशनरीज में सीक्रेट सोसाइटीज बनती है और ये सीक्रेट सोसाइटी जो होती है में मैजिनी का रोल दिखाई देता है और वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए नेशंस बहुत ज़रूरी है. ह्यूमैनिटी के लिए नेशंस बहुत ज़रूरी है. दे अपोज्ड द मोनार्की और इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाया जिसका नाम है यंग इटली मार्सेल्स में और यंग यूरोप बर्न में. और इसके बाद एज ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है यूरोप में फ्रॉम 1830 to 1848 में जो रिवॉल्यूशन आता है उसका जो सबसे बड़ा आउटकम होता है वो ये होता है कि फ्रांस अब एक रिपब्लिक बन जाता है. फ्रांस बिकम रिपब्लिक फ्रॉम मोनार्की देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फिर वो रिपब्लिक में कन्वर्ट हो जाता है. ये सबसे बड़ा आउटकम हमको दिखाई देता है 1848 के रिवॉल्यूशन के. आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे. एक थीम है उसी थीम को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. और इसके बाद अभी सर आते हैं और आपको नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स को बताएंगे. तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया. जैसा कि आपको सर ने आपने अभी देखा यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म शुरू हुआ और क्या क्या चीज़ें वहाँ पैदा हुई, किन किन महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके किताब में है जहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं उन सारे बिंदुओं को सर ने टच करने की कोशिश की है. हालाँकि हम लोग बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, एग्ज़ाम आपका काफ़ी पास है. तो वीडियो में हम लोग जो है थोड़ी थोड़ी बातें करते चलेंगे ताकि आप अपने आप को एक गो थ्रू कर लीजिए सारी चीज़ें आपकी तैयार हैं कि नहीं है. और अगर कोई पॉइंट छूट रहा हो तो उसको फिर से एक बार ज़रूर देख लीजिए. एग्ज़ाम में जो भी कोई भी ऐसा चीज़ ना रहे, ऐसा टॉपिक ना रहे जिसको आपको लगे कि ये कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस है या ऐसा, इस तरह की चीज़ें दिमाग में ना आए तो ये चीज़ जो है ज़रूर ध्यान से रखिए कि जो है क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं. इसको ज़रा थोड़ा गंभीरता के साथ जो है इसको देख लीजिए. चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया.
अब देखिए नेशनलिज्म के बारे में बात हो चुकी है, नेशनलिज्म आप जान चुके हैं क्या चीज है कैसे है, और नेशनलिज्म की शुरुआत जो यूरोप में होती है उसका प्रभाव भारत में कैसे देखने को मिलता है, इंडिया में क्या होता है, इस यही चैप्टर जो है इसके बारे में है। पूरे चैप्टर में बेसिकली इसी चीज की बात की गई है कि नेशनलिज्म कैसे इंडिया में मर्ज होता है और क्या क्या चीजें जो है उसकी एस्पेक्ट बनते चले जाते हैं, लोग किस तरह से नेशनलिज्म के साथ अपने आप को अटैच करते चले जाते हैं। देखिए आपका जो चैप्टर है जो एनसीईआरटी है उसमें थोड़ी बहुत बातें लिखी हुई हैं, उसका जो पहला जो आपका पॉइंट है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है, जरूरी है इस चीज को समझिएगा, सब नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी ज्यादा जरूरी है। आप ऐसा है कुछ ऐसा पढ़ते चले जा रहे हैं जो आपके काम क्या है ही नहीं, और आपको लगा कि मैंने तैयार कर लिया और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए समझिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट था इंडिया के ऊपर, केवल आपको ये पढ़ना है, आपके सिलेबस में केवल इतना है। खिलाफत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ता है, और उसमें किन लोगों की भारत में अहम भूमिका रहती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। नॉन कोऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है और क्या इस आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, इस आंदोलन का रूपरेखा क्या होता है, कौन क्या ऐसी चीजें होती जाती हैं कि आंदोलन काफी वृहद स्तर पर बड़े पैमाने पर फैल जाता है, और फिर यह आंदोलन वापस क्यों लिया जाता है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। चलिए पहला देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, सबसे बड़ी चीज है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत के इकोनॉमिक और एंड पॉलिटिकल सिचुएशन पर इफेक्ट पड़ा। अब अगर आप इकोनॉमिक कंडीशन में देखें तो पहला चीज क्या है, इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया। ठीक है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, क्योंकि क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो गए। ठीक है, क्रॉप्स के फसल की पैदावार हुई नहीं, फसल की पैदावार ना होने से क्या हो गई, भुखमरी पैदा हो गई और उससे महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने लगी तो सरकार ने क्या किया, सरकार की आमदनी के सोर्सेस कम होने लगे, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। जब टैक्स बढ़ा तो अभी जनता जो है महंगाई से जूझ रही थी तब तक टैक्स की भी मार जनता के ऊपर आ गई। सरकार को पैसा ज्यादा चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं सरकार के रेवेन्यू का जो सोर्स होता है वो टैक्स होता है। अब टैक्स सरकार को ज्यादा चाहिए था, क्यों चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और उनको डिफेंस एक्सपेंडिचर पर यानी कि रक्षा बजट पर डिफेंस एक्सपेंडिचर पर ज्यादा पैसा खर्च करना था, इसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए था। अब इस पैसे की भरपाई होगी कहां से, भारतीयों के ऊपर टैक्स लगा दो। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको महामारी फैलने लगी। ठीक है, फ्लू फैल गया। ठीक है, हेल्थ कंडीशन खराब होने लगी, तो ये जो है न्यूट्रिशन वैल्यू घटने लगी लोगों की। तो ये इसके इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जो इकोनॉमिक इफेक्ट था वो ये कुछ चीजें थी। अब देखिए इसमें जो जो चीजें आपको बताई गई बस यही पॉइंट वाइज दिमाग में बैठा लीजिए, तो यूज करते हुए पैराग्राफ में हेडिंग डालते हुए लिखते चले जाइएगा। 3 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन अगर होगा तो मेरे हिसाब से आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए पॉलिटिकल स्थिति में क्या हुआ, जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसमें भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें भी परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा। ठीक है, जबरन जो है को भर्ती किया जाने लगा। इसके साथ ही साथ अब ये जो चीजें हो रही थी इससे जनता जो है दुखी हो गई थी, कोई नए विचार की जरूरत थी, जनता इस सब चीजों से कैसे बाहर निकले को लेकर लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी, और इस जिज्ञासा का उत्तर लेकर
एक आदमी भारत में आता है, उसका नाम था महात्मा गांधी। देखिए गांधी भारत में 1915 में आते हैं, और गांधी ऐसा नहीं कि आते ही बहुत बड़े नेता हो गए थे, बहुत बड़ा उनका जनाधार हो गया था, लोग उनको जानने लगे थे। गांधी 1915 में भारत आते हैं, लेकिन गांधी का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो गांधी कहाँ से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका में गांधी एक नए किस्म का आंदोलन का नाम था सत्याग्रह। एक नया विचार था, ये पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज थी, जो व्यक्ति इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो एक नए तरीके का विचार था उस जमाने के लिए। सत्याग्रह का अगर हम संधि विच्छेद करें तो होता है सत्य धन आग्रह, यानी सत्य के लिए हम आग्रह करें। ये विचार गांधी लेकर भारत आते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट जो गांधी का था सत्याग्रह का, ये ऑलरेडी अफ्रीका में वो ऑलरेडी गांधी अफ्रीका में इस विचार को लागू करा चुके थे, उस पर उनको जीत हासिल हो चुकी थी। और ये जो सत्याग्रह जो गांधी ने अफ्रीका में किया था, ये रेसिज्म के खिलाफ था। आप रेसिज्म जानते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में रेसिज्म क्या होता है, ठीक है? तो रेसिज्म वो चीज है कि व्हेन वी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, इट इज कॉल्ड रेसिज्म। जब किसी भी व्यक्ति के साथ हम उसके स्किन के रंग के आधार पर अगर भेदभाव करते हैं तो वो रेसिज्म कहलाता है, जिसको हम रंग भेद के नाम से जानते हैं। गांधी रेसिज्म के खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत अफ्रीका में हो चुकी थी, वो जीत भी हासिल हो चुकी थी। जब गांधी भारत आते हैं तो यहाँ पर गांधी करीब 1915 में आते हैं, और करीब 17 तक गांधी 2 साल पूरे भारत यात्रा करते हैं। 17 में गांधी का एक पहला मूवमेंट शुरू होता है, वो हम चंपारण मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और ये चंपारण मूवमेंट जो था, ये नील की खेती के खिलाफ था, इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ था। इंडिगो प्लांटेशन, अब बहुत विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे, इंडिगो प्लांटेशन क्या था, नील की खेती थी, ठीक है? तो बस आपको रिवाइज करना है तो आप इस चीजों को दिमाग में बैठाते चले जाइए, ठीक है? और इसके बाद गांधी के 3 लगातार जो कंटिन्यूअस आंदोलन होते हैं, एक चंपारण होता है, दूसरा होता है, पहला चंपारण था, दूसरा खेड़ा में करते हैं किसानों के लिए, और तीसरा अहमदाबाद में करते हैं मिल मजदूरों के लिए, ठीक है, मिल वर्कर्स। ये सब आप जान रहे होंगे, बस हल्का हल्का एक एक पॉइंट दिमाग में बैठाते चले जाइए, रिकॉल करते जाइए कि सारी चीजें आपके दिमाग में है या नहीं है। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो था, ये जानते हैं, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास किया था। और इस कानून की जो खासियत थी वो क्या थी कि विदाउट ट्रायल यानी बिना मुकदमा चलाए हुए किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक, 2 ईयर्स के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। सबसे बड़ी बात इस रॉलेट एक्ट में ये थी, और ये किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, इसका जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अमानवीय चीज़ थी, इनह्यूमन एक्टिविटी थी। इसके खिलाफ जो है आंदोलन शुरू होता है, और आपका 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट की शुरुआत, मतलब इसका इफेक्ट देखने को मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद 10 अप्रैल को एक बड़ी घटना घटती है। 10 अप्रैल को पुलिस के द्वारा फायर बाय पुलिस द मॉब, भीड़ के ऊपर
फायरिंग कर दी जाती है, उसमें हजारों लोग निर्दोष लोग जो है वो मारे जाते हैं, और इसके बाद मार्शल लॉ जो है इम्पोज कर दिया जाता है। अब ये इसको ध्यान में रख लीजिएगा मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है जिसके बाद हालात और भी ज़्यादा बदतर हो जाते हैं, और 13 अप्रैल को एक बड़ी घटना होती है जिसको हम जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका इफेक्ट उत्तर भारत में भी देखने को मिलता है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको बस दिमाग में बैठाते जाइए, जो आपके नोट्स हैं उनको जरूर पढ़ लीजिए और लिख कर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। एक और आंदोलन होता है इसके बाद, खिलाफत। अब खिलाफत मूवमेंट क्या था तो आप सब जान रहे हैं, सब आपको पढ़ाया गया, आप खुद भी अब तक तैयार होगा, बस एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ऑटोमन टर्की जो था, का जो राजा जो किंग था उसके ऊपर ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही हार्ड कुछ शर्तें थोप देते हैं, और उन शर्तों को पालन करना, एक तरह से जो उनका खलीफा था मतलब जो उनका राजा था उसके ऊपर इस तरह का जो कैप्चर ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया। एक चीज और थी कि यहाँ के जो इसका जो राजा था इसको पूरी दुनिया के मुसलमान अपना राजा मानते थे, और इसके ऊपर हमला यानी कि मुसलमानों ने इसको इस तरह से किया कि ये हमारे राजा के ऊपर हमला है। अब अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा था वो मुसलमानों का भड़क गया। गांधी ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है हिंदू और मुसलमान को साथ लाने, और इसके लिए खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसको शुरू करने का श्रेय शौकत अली और मोहम्मद अली को जाता है। ये दो अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, और इन्होंने जो है गांधी के साथ मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और ये आंदोलन भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इम्प्रूव करता है, और भी कई चीज़ें इसमें एड ऑन होती जाती हैं, लोग साथ आते जाते हैं। सरकारी संपत्तियों का बहिष्कार और तमाम तरह के टाइटल्स जो थे जो सरकार के द्वारा दिए गए थे उसको वापस किया गया, कई ऐसी सारी चीज़ें जो है वो होने लगी। इसके बाद जो देखिए गांधी की किताब है हिंद स्वराज, पूछ सकता है एक नंबर में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि हिंद स्वराज की पुस्तक है कौन लिखा है, तो आप कहेंगे गांधी। क्या गांधी के द्वारा लिखी हुई इनमें से कौन सी पुस्तक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें हिंद स्वराज अगर ऑप्शन होगा तो आप हिंद स्वराज लगा सकते हैं। और अगर गांधी की किताब के बारे में पूछता है कि गांधी की कोई एक किताब का नाम लिखिए गांधी की, तो आप हिंदू स्वराज लिख सकते। एक सवाल यहां ये पैदा होता है कि वाई नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन ही क्यों, असहयोग ही क्यों? देखिए गांधी का ऐसा मानना था कि जो ब्रिटिश हुकूमत है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो भारतीयों के सहयोग से ही है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली भी देखें तो अंग्रेजों की कोई बहुत बड़ी आबादी भारत में उस समय एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जो उनका प्रशासनिक ढांचा था, जो उनके शासन की व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो गवर्नेंस सिस्टम था, उसमें इंडियंस की हिस्सेदारी ज़्यादा थी। गांधी ने कहा कि अगर हम भारतीय नॉन कोऑपरेट करें, नॉन कोऑपरेट का मतलब समझिए, उसको हिंदी में समझाते हैं आपको, असहयोग। असहयोग का मतलब क्या हुआ, सहयोग नहीं करेंगे। तो अगर हम इंडियंस ब्रिटिशर्स को नॉन कोऑपरेट करने लगे, कोऑपरेट ना करें, तो ब्रिटिश सरकार बहुत जल्द जो है अपनी सुपरनिटी को खो देगी और धीरे धीरे ये सरकार का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये गांधी का ऐसा मानना था, इसलिए जो है गांधी ने
और इसके लिए लोगों ने कुछ काम भी शुरू किया। जैसे पहली चीज देखिए, जो गवर्नमेंट टाइटल्स थे, सरकार के द्वारा जो उपाधियां दी गई थी, टाइटल्स जो दिए गए थे, उसको जो है रिटर्न बैक किया जाने लगा, वापस दिया जाने लगा। ठीक है, सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में कर्मचारी जो थे, जो भारतीय थे, वो इस्तीफा देने लगे। ठीक है, सरकारी स्कूल के जो मास्टर थे, स्कूल और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जो मास्टर्स थे, वो लोग इस्तीफा देने लगे। स्टूडेंट्स भी इस हड़ताल में शामिल होने लगे और उन्होंने भी अपने क्लासेस को बायकॉट करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे जो भी व्यक्ति जिस स्तर पर अपना योगदान दे सकता था, वो इस योगदान में दे रहा था। लेकिन समस्या इसमें यह भी थी कि कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर एक अनसर्टेनिटी थी कि क्या ये मामला सही है, क्या हमको इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक लंबी खींचतान चली कांग्रेस के बीच में ही। लेकिन दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस ने के बीच में एक सहमति बन गई कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत अब करने जा रहे हैं। तो इसके बाद शहरों में आंदोलन फैल गया। शहर में जो लोग थे वो आप जानते हैं कि थोड़ा सा एजुकेटेड क्लास था, पढ़ा लिखा वर्ग था। इसके साथ साथ मजदूरों की संख्या आती थी। अगर गांव के क्षेत्रों में हम देखें तो किसानों की संख्या थी, लेकिन शहरों में मजदूरों की संख्या ज्यादा थी। ये लोग भी आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे। ग्रामीण इलाकों में भी बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसमें छोटे छोटे आंदोलन जैसे अवध में हुआ, बाबा रामचंद्र के साथ पंडित नेहरू ने मिलकर आंदोलन चलाया। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी डिस्कस करने का टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और इसलिए हम लोग बहुत हल्के तरीके से एक ऊपरी स्तर पे केवल इस चीज़ को एक बार रिकॉल करते चलते हैं। चौरी चौरा की घटना जरूर याद रखिएगा, क्यों हुआ था। ठीक है, आपको मालूम है कि जो है वहाँ पर किसानों ने जो है, ग्रामीणों ने जो है, पहले प्रशासन ने जो है मजदूरों के ऊपर ग्रामीणों के ऊपर फायरिंग कर दी थी। उसके बाद ग्रामीणों ने, गुस्साई भीड़ ने क्या किया, थाने को घेर लिया और घेर के उसमें आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। उसके बाद गांधी ने ये कहा कि भाई अभी देश की जनता तैयार नहीं हुई है आंदोलनों के लिए, और इसलिए गांधी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर में है, और इसको मैप में भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, तो एक बार इसको मैप की तरह से भी जरा देख लीजिएगा। सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट और दांडी मार्च, इसको भी आपके पास मतलब मेरे ख्याल से सारी जानकारी होगी, कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे लगता है आपको बताने लायक है। साइमन कमीशन के बारे में जो है आप जान रहे हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एक सवाल अक्सर पूछता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कब की गई थी, ये आपको क्लास में भी बताया गया है, 1929 में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और कहाँ हुआ था, लाहौर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं, बाकी आप जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपके दिमाग में होगी, लिखकर जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। दांडी मार्च जो था उसको जरूर देख लीजिए, और गांधी इरविन पैक्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गांधी इरविन पैक्ट, तो इसमें कई सारी चीजें हैं, अब हम उसको समझाने के पे हम नहीं जा रहे हैं। तो देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जरूर को पढ़ लीजिए, क्या पढ़ना है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हुई थी। एक सवाल ये भी पूछता है कि कौन सा भारतीय नेता था जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ, इसका आंसर जरूर याद कर लीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन, जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जानते हैं, में शामिल हुए थे। एक सवाल ये भी पूछता है कि गांधी किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, तो वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी शामिल हुए थे। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और के बाद ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी एक चैप्टर और बचा हुआ है,
हम लोग जो है बहुत शॉर्ट में जो है इस चैप्टर में मुझे अब कुछ नहीं लग रहा है, एक बार आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके हमसे जानकारी मांग सकते हैं, ज़रूर उस आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, और ये सारी चीज़ों पर हम लोगों ने करीब करीब बात कर ली है, क्योंकि ये अब एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है। और एक बार ज़रूर आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को ज़रूर आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, किस स्तर तक है। अब मैं जो है अमित सर को माइक हैंड ओवर करूँगा, ताकि जो है वो एक चैप्टर और आपका बच रहा है उसको बहुत ही शॉर्ट में सर जो है समराइज करने की कोशिश अब करेंगे। हम लोग ने के दो मॉड्यूल को समराइज किया है, हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल मॉड्यूल देखेंगे, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं उसमें, उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर थोड़ा सा वर्ल्ड के प्रोस्पेक्ट्स में समझने वाला चैप्टर है, तो तीन पॉइंट्स हैं, शॉर्ट में उसको समझ लेते हैं। पहली चीज, बैंकिंग ग्लोबल वर्ल्ड में इंटर डिपेंडेंसी ऑफ इकॉनमी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ इकॉनमी, अर्थव्यवस्था जो है तो आप एक दूसरे का आपस में आश्रित हो जाना, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ इकॉनमी। सेकेंड पॉइंट क्या है, शेयरिंग ऑफ कल्चर के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, सब पार्ट्स। पहला इसमें हो सकता है फूड, शेयरिंग ऑफ फूड, शेयरिंग ऑफ ट्रेड, शेयरिंग ऑफ क्लॉथ एक्सेट्रा, जो भी हमारे कल्चर का पार्ट है। लेकिन ये तीन बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं जो शेयर होते हैं जब भी हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। मॉडर्न सिनारियों में हम आज ग्लोबलाइजेशन को बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं, और हमारा जो पूरा एक वर्ल्ड है एक विलेज जैसा अपीयर होता है, आवर इंटायर वर्ल्ड अपीयर्स एज अ विलेज। लेकिन क्या ये ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेंड था ये हमारे एंशियंट या फिर मेडिवल पीरियड में भी ऑब्जर्व होता था? तो इसका आंसर है यस, ऑफ कोर्स उस वक्त भी ग्लोबलाइजेशन था, उस वक्त भी डिपेंडेंसी ऑफ इकोनॉमी होती थी। लेकिन आज का जो हमें ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड दिखाई देता है वो बहुत ही फास्टर है, बहुत ही फास्टर है, इसके अंदर फास्ट है, ये बहुत ही फास्ट है। ऐसा फास्ट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन, एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं वजह से मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड है फास्टर हो गया। ठीक, आपको पॉइंट्स याद रखना है, समझना है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा मैप बेस्ड है, यूरोप में एक सी है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से ठीक नीचे की तरफ आएंगे तो स्वेज कैनाल, और उससे भी नीचे आएंगे तो रेड सी, और रेड सी से ठीक नीचे आएंगे तो इंडियन ओशियन, या यूं कह लें हम अरेबियन सी, और अरेबियन सी से नीचे की तरफ इंडियन ओशियन, और अगर चले गए साउथ में तो हमें देंगे साउथ ईस्ट
एशिया, और यहीं पे हमारा क्या है, तो जो ट्रेड रूट था वो यही था कि यूरोप के जो लोग थे वो इसी रूट से साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया आते थे और ट्रेड करते थे। वॉज द ट्रेड रूट फर्स्ट। लेकिन आराम से ये ट्रेड चल रहा था यूरोप से एशिया की तरफ इसी रूट से। लेकिन जब इस रूट पे टर्की ने अपना रूल करना शुरू कर दिया तो यूरोप से एशिया की तरफ जो ट्रेड हो रहा था उसमें रुकावट आने लगी, और इसलिए यूरोप के लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि हमें एक नया ट्रेड रूट बनाना पड़ेगा। और जो नया ट्रेड रूट निकल के आया वो सी रूट था। पहला कॉन्सेप्ट। इसके बाद सिल्क रूट जानना होगा हमें। सिल्क रूट, सिल्क रूट क्या है कि चाइनीज चाइनीज सिल्क को वेस्ट कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूरोप में पहुंचाने के लिए जो रास्ता बनाया गया है तो हम लोग बोलते हैं सिल्क रूट, इंपॉर्टेंट रूट सिल्क रूट इसको बोलते हैं। और यहीं से चाइनीज सिल्क वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जाता था। न केवल चाइनीज सिल्क बल्कि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाइना से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जाते थे। कॉन्सेप्ट नंबर आपको जानना चाहिए। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ क्या होता है, कॉर्न लॉ इसको समझ लेते हैं। एंशियंट के बाद मिडिवल आता है और मिडिवल यूरोप तक, मिडिवल यूरोप में फ्यूडल सिस्टम प्लस सर्फिडम के फीचर्स ऑब्जर्व होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इमर्जेंस ऑफ सिटीज, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ट्रेंड्स आते हैं, ये दोनों ही डाउनवर्ड हो जाते हैं, इसका फॉल होने लगता है। फ्यूडल सिस्टम भी खत्म हो जाता है, सर्फिडम भी खत्म हो जाता है। क्या होता है उसके बाद उसको देख लेते हैं। तो यूरोप में फेंसिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही फ्यूडल सिस्टम खत्म होगा, बड़ी बड़ी जो लैंड्स हैं चारों तरफ फेंसिंग शुरू हो जाएगी, चारों तरफ। और यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। किस चीज़ का प्रोडक्शन, तो कॉर्न प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। लेकिन इस प्रोडक्शन के पहले यूरोप में कॉर्न इंपोर्ट किया जाता था। कॉर्न वॉज इंपोर्टेड एंड इट वॉज Available at cheap prices, ये सस्ते दाम पे यूरोप के लोगों को अवेलेबल था। लेकिन जो ये कॉर्न प्रोड्यूस हो रहा है, ये मार्केट प्राइस वॉज हाई एज इम्पोर्टेड कॉर्न। तो जो इम्पोर्टेड कॉर्न है उससे
जो यूरोप में ही प्रोड्यूस्ड कॉर्न है वो महंगा है। इस वजह से जो यूरोप के लोग होते हैं, ब्रिटेन के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि कॉर्न लॉ को एबॉलिश कर दिया जाए, कॉर्न लॉ को एंड कर दिया जाए। एंड ऑफ कॉर्न लॉ से क्या होता है कि दोबारा फिर से इंपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। इंपोर्ट ऑफ कॉर्न टू इन रीस्टोर्ड फिर से स्टोर्ड हो जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो बड़े बड़े एरिया थे उसमें जो प्रोडक्शन कॉर्न का हो रहा था अब वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉपिंग द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न। इसकी वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है। और इसी की वजह से क्या होता है, माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू न्यूली मर्ज सिटीज, जो नए नए शहर बने हैं उसमें विलेज से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक थीम है, माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू द न्यूली इमर्ज्ड सिटीज। जो इंपोर्टेड कॉर्न है उसका प्राइस कम है, उसका प्राइस कम होने से इजिली अफोर्डेबल है, और इजिली अफोर्डेबल होने की वजह से जो कंजप्शन लेवल है अब ब्रिटेन का बढ़ता जा रहा है। कंजप्शन लेवल ऑफ ब्रिटेन इंक्रीजेस। अब इसका क्या आउटकम होगा उसको समझ लेते हैं। बढ़ता हुआ जो कंजप्शन है, कंजप्शन और इसमें क्या कर देते हैं, ये करते हैं कि ईस्ट यूरोप अमेरिका और अफ्रीका में डीफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब डीफॉरेस्टेशन होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा स्पेयर लैंड, खाली जमीन मिल जाएगी, स्पेयर लैंड मिल जाएगी, और इसी स्पेयर लैंड से हम क्या कर पाएंगे, एग्रीकल्चर कर पाएंगे। और ये जो एग्रीकल्चर करेंगे इससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। और यही प्रोडक्शन जो होगा कहाँ भेज दिया जाता है, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में क्या हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और साथ साथ कंजप्शन लेवल भी बढ़ गया है। आपको ये थीम समझ में आ रहा होगा, कंजप्शन लेवल भी बढ़ गया है, एक थीम है पूरा। किस तरह से ग्लोबलाइजेशन एक इकोनॉमी को गवर्न कर रहा है। तीन चार कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, अभी दो कॉन्सेप्ट और देखेंगे, उसके बाद हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। अफ्रीका में एक जगह है इरिट्रिया, जहाँ पे इटालियन आर्मीज हैं और ये प्रोमिनेंटली ईस्ट अफ्रीका का। इटालियन आर्मीज को आने के लिए एनिमल मीट चाहिए, और ये एनिमल मीट जो है वो एशिया के देशों से आता है। एशिया के देश से जब ये आता है तो
एशिया के देश से ये इटालियन आर्मीज के लिए मीट आता है और रास्ते में जो एनिमल्स हैं उनको एक डिजीज हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेंडर पेस्ट। और ये धीरे धीरे ये जो डिजीज है ये कम्युनिकेबल डिजीज बन जाती है और ये ईस्ट अफ्रीका से वेस्ट अफ्रीका के देश में तेरे क्षेत्रों में फैलने लगती है, बिकम स्प्रेड्स, जिसकी वजह से अफ्रीका में जो एनिमल स्टॉक है वो गिरने लगता है, ख़त्म होने लगता है। और इसकी वजह से जो अफ्रीकन्स हैं इनकी डिपेंडेंसी उनके लाइव स्टॉक पे रहती है, एनिमल स्टॉक पे रहती है। अफ्रीकन्स डिपेंडेंसी ऑन देयर एनिमल स्टॉक बैडली अफेक्टेड, बहुत बुरी तरह से वो प्रभावित हो जाते हैं, बैडली अफेक्टेड। और यूरोपियंस गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल अफ्रीका, और ब्रिटेन के लोगों को या यूरोपियंस को एक मौका मिल जाता है अफ्रीका के लोगों को रूल करने का, क्योंकि अफ्रीकन्स की जो डिपेंडेंसी है वो उनके लाइव स्टॉक पे है, एनिमल स्टॉक पे है, और पूरे ईस्ट अफ्रीका से लेकर वेस्ट अफ्रीका के क्षेत्र में एरिया में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है वो फैलने लगती है, जिसकी वजह से जो एनिमल स्टॉक है उसकी संख्या गिरने लगती है। तो हम ये ग्लोबलाइजेशन का एक बैड इम्पैक्ट देख रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने लोगों की लाइवलीहुड को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इसने ट्रेड को तो सपोर्ट किया है, लेकिन बढ़ता हुआ ट्रेड, सिकुड़ती हुई अर्थव्यवस्था लोगों की आजीविका का एक क्राइसिस बन जाता है, लोगों की आजीविका के लिए संकट भी उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, लास्ट होगा हमारा टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी बूस्टेड द फूडिंग सिस्टम। अमेरिका से यूरोप के देश में जो एक्सपोर्ट होता था मीट का, वॉज नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। वाई? क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता था थ्रू वाटरवे, और जब वाटरवे से होता था देन इट वॉज द लॉन्ग जर्नी, और इस जर्नी में ऐसा होता था कि एनिमल को कोई बीमारी लग जाए, एनिमल गेट एनी डिजीज एंड नॉट सुटेबल मीट। इस वजह से कंज्यूमिंग मीट वॉज वेरी कॉस्टली फॉर पीपल ऑफ यूरोप। अब ये प्रॉब्लम कैसे ओवरकम होती है? टेक्नोलॉजी की मदद से जब रेफ्रिजरेशन आ जाता है, आर इंस्टॉल्ड इन द शिप एंड इट नाउ फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ऑफ फ्लैश रादर देन द लाइव एनिमल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब ये रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी इंस्टॉल कर देने से ये आसान हो गया कि हम एनिमल्स के फ्लैश या एनिमल्स के मांस को आसानी से
अमेरिका से यूरोप भेज दें बजाय अमेरिका से यूरोप जिंदा जानवर भेजा जाए, लाइव एनिमल्स भेजना अब प्रॉब्लमेटिक था। रेफ्रिजरेशन आ जाने से हम उनके फ्लैश को ही आसानी से एक जगह से दूसरे जगह भेज पा रहे थे, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी ने हमारे फूडिंग कल्चर को भी इन्हेंस कर दिया है। तो ये सारे आस्पेक्ट आपने देखा और मैं उम्मीद करूंगा कि ग्लोबलाइजेशन के इस चैप्टर में जितने भी हमने अभी डिस्कशन किया है ये एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको दे रहे होंगे। सर ने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया बताया, मैंने आपको एक थीम देने की कोशिश की है नेशनलिज्म इन यूरोप। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि कम से कम ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए और साथ साथ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इंडिया में जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए वो आपको मिल जाए। पेपर में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी नेसेसरी हो आप ब्लॉक डायग्राम, मैप या डायग्राम जरूर बनाइएगा। डायग्राम को एक बार पूरे बुक में जरूर देख के जाइएगा, डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जरूर है, एक नंबर का सवाल जरूर आएगा। मेरे और सर की तरफ से आपको शुभकामनाएं, आप पेपर अच्छा करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो ध्यान में रखिए, जरूर प्रैक्टिस करें और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छा पेपर करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।